सर मेरा नाम मदन सिंह है और मैं डेल्टा कॉम्प्रेस स्मार्ट कंपनी का अध्यक्ष हूँ सर। जैसा कि हमारे जो आंदोलन है 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन इसमें हमारी राज्य सरकार, केंद्र की सरकार कोई भी हमारी बातें नहीं सुन रहा है। जैसे कि माननीय विधायक जी श्री दीवान सिंह बिष्ट को हमारी इतनी जनसंख्या यहाँ पर आई थी, इन्हें मौजूद होना चाहिए था, अपना टाइम निकालते हमारे लिए 10-15 मिनट आधे घंटे का टाइम निकालते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। हमें कल के लिए आश्वासन दे दिया है कि आप कल आइए और आप जो आपकी मीटिंग है उसमें हम वो करेंगे, उसमें बातें होंगी हमारी। लेकिन सर ये कहाँ की बात होती है, अगर आप किसी निधन भी हुआ है सर तो आप पूरे दिन 12 घंटे हो गए हैं सर, उन्हें आना चाहिए था। और जैसा कि कपिल गुप्ता कंपनी मालिक गैरकानूनी तरीके से कंपनी चला रहा था 15 सालों से, ठीक है, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं करी है। केंद्र में हर जगह हर सत्ता में बीजेपी की सरकार है। जैसे कि हम मानते हैं जो हमारे विधायक जी हैं जहाँ पर यह कंपनी लगाई गई है वहाँ पर हमारे 1100 वोट हैं। पिछले 2013 में जब यहाँ चुनाव हुए थे सर तो उन्हें करीब 1100 में से 950 वोट मिले थे सर। क्या बताइए, अगर कंपनी ये बंद होती है तो क्या वर्कर उन्हें उस वोट मिलने का अधिकार है, उन्हें क्या हम वोट देंगे, उन्हें नहीं देंगे हम, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी कपिल गुप्ता ने जो मालिक है, ठीक है, उसने कंपनी बंद करने की जो परमिशन मांगी है उसे कपिल गुप्ता को बंद करने की अनुमति ना दी जाए। यहाँ पे सभी को पता है कि हमारी कंपनी में 4 से 5 हज़ार वर्कर काम करता था, ठीक है। इसमें बहुत सी सारी पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी थी जिसने हाई स्कूल इंटर कर रखा था, लेकिन कंपनी मालिक ने बिना नोटिस दिए हुए सभी को बाहर निकाल दिया, सबको रोड में खड़ा कर दिया है। जैसा कि सब उसमें छोटी छोटी बच्चियाँ भी काम करती थी जिसमें नाबालिग वर्कर भी काम करते थे वहाँ पे। इसकी सूचना श्रम विभाग अधिकारी को, सभी लोगों को पता था कि लोग यहाँ पर चेक करने के लिए आते थे और उन लोगों को टॉयलेट बाथरूम में छुपा दिया जाता था, लेकिन इसमें भी कोई ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि उनकी जेब भर दी जाती थी। श्रम विभाग तक यहाँ पर चेक करने के लिए आता था, हमें पता था, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसमें मिनिमम वेज भी नहीं मिलता था सर हम लोगों को, सारे दे काट दिए जाते थे उसमें से हमारे, कोई हमें पे अप स्लिप एस आई स्लिप कुछ भी नहीं दिया जाता था सर। 15 साल में मुझे 14 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए सर, हमें आज तक किसी भी चीज़ की किसी भी स्लिप नहीं दी गई है।